नमस्कार। तो दुनिया में सबसे अमीर घरानों की सूची में नंबर 9 पर आने वाले अंबानी परिवार ने आज रिलायंस की एजीएम को संबोधित किया। मैं यहाँ परिवार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सबके लिए कुछ ना कुछ था। GBPS and as we speak more than 5 lakh homes are testing Jio Fiber internet and voice services, making it the largest beta program in India. ईशा अंबानी ने भर्तियों के बारे में बात की, आकाश अंबानी ने जियो फाइबर के बारे में बात की और नीता अंबानी और आकाश अंबानी को मुंबई इंडियंस के लिए बधाई दी गई। I would also like to congratulate Neeta and Akash for their leadership for Mumbai Indians. पर इस एजीएम में सबसे बड़ी न्यूज खुद मुकेश अंबानी ने ही दी। मुकेश अंबानी ने बताया कि अब तक हमने 12,151 करोड़ रुपए का तो टैक्स ही चुकाया है। 5 सितंबर से जियो फाइबर कॉमर्शियली लॉन्च होगा। सऊदी अरामको रिलायंस में $75 अरब का निवेश करेगी, जो अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा। और ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस इन पार्टनरशिप विद सऊदी अरामको इज बेस्ट प्लेस्ड to pursue growth and value creation while adding substantial value to the feedstock provided by our strategic partner. पर मुकेश अंबानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है वो हम हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 2030 तक हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन सकते हैं। And now we are ready to kickstart 4 more engines of connectivity revenue for Jio, and they are: first, Internet of Things or IoT for all over India; second, home broadband services; third, enterprise broadband services; and fourth, broadband for small and medium businesses. तो रिलायंस की 42वीं एजीएम में मुकेश अंबानी ने काफी सारी चीजों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने जियो में 34 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। जियो इस समय भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है। विद जियो फाइबर यू गेट लाइटनिंग फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड्स ऑफ अप टू 1 GBps। यू गेट अ लैंडलाइन फोन कनेक्शन at no additional cost. You get a digital set-top box that opens up unparalleled digital experiences within your home. Ultra-high-definition entertainment, virtual reality content, multi-party video conferencing, voice-enabled virtual assistants, interactive gaming, home security, and many other smart home solutions. The digital possibilities are endless. इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि बीपी के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर किया है, जिससे कि रिलायंस को और बीपी को दोनों को ही फायदा मिलने की उम्मीद है। 5 सितंबर 2019 को जियो को 3 साल पूरे हो जाएंगे। जियो हर महीने 1 करोड़ ग्राहक से भी ज्यादा ग्राहकों को जोड़ रही है। 1 जनवरी 2020 से रिलायंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च करेगा। जियोज IoT प्लेटफॉर्म विल बी कमर्शियली अवेलेबल स्टार्टिंग 1 जनवरी 2020। तो आज की एजीएम की बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरामको रिलायंस में $75 अरब का निवेश कर रहा है। बीपी के साथ रिलायंस ने एक जॉइंट वेंचर किया है। कॉमर्शियली लॉन्च होने वाला है जियो गीगा फाइबर, जिसमें आप 100 GB तक कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका 12 महीने के लिए सिर्फ एक ट्रायल रन चलने वाला है। और भी मुकेश अंबानी ने काफी सारी बातें की, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मुकेश अंबानी निवेश करना चाहते हैं आने वाले समय में। Family, we look forward to today to showcase our new digital services that will enable a digital society and continue taking India to the forefront of the digital age. The ability to communicate and the ability to absorb information form the foundation of our evolution. Our means for this has evolved manyfold just in the last century, from letter writing and physically searching. Your fiber customers who opt for our annual plans, which we call Jio Forever plans, will get an HD or 4K LED television, and a 4K set-top box, absolutely free. Microsoft's cloud platform, Azure, is one of the world's leading cloud platforms. And today, I'm privileged to announce that Jio and Microsoft have entered into a globally unique long-term alliance to accelerate the digital transformation of our country. Responding to our Honorable Prime Minister's appeal, we stand committed to support the people of Jammu and Kashmir and Ladakh in all their developmental needs. We'll create a special task force, and you will see a lot of announcements on Jammu, Kashmir and Ladakh and our developmental initiatives in the coming months. अगर आप मुकेश अंबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप जाइए और मुकेश अंबानी की पीसी डिटेल में देख सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना तो बनता है। मैं हूं वरुण अवस्थी, बिज तक देखने के लिए धन्यवाद।